बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी हैं मेरी प्यारी बहनें, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक मैजिकल फेस मास्क, जो कि हम बनाएंगे मुल्तानी मिट्टी से। मुल्तानी मिट्टी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आपकी स्किन से एक्सेस ऑयल को कंट्रोल में करता है, आपकी स्किन पे ग्लो लाता है, आपकी एक्नी को रिमूव करता है, अगर आपकी झुर्रियाँ हैं उन्हें रिमूव करता है, बहुत ही फ्रेशनेस का एहसास दिलाता है, बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आपने सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ में वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दें और वीडियो को फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कर दें। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने क्लीन बॉल लेना है और तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच आपने मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करना है। इसमें बहुत ही बेस्ट इंग्रेडिएंट है, बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट से ये हम रेमेडी बनाएंगे और इसके बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आपके चेहरे पे एक्नी है, एक्नी को रिमूव करेगा, अगर आपका रंग जो है ख़राब हो गया, डल हो रहा है, तो उसे भी गोरा कर देगा, और साथ में आपकी जो स्किन है ना, आपका जो चेहरा है वो एक गुलाबी सा ग्लो देगी, एक चमक देगी। तो आपने इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट ऐड करना है, गुलाब की पत्तियों का पाउडर, रोज़ पेटल जो होता है आपने उसका इस्तेमाल करना है तकरीबन 1 चम्मच, और इसके बाद लास्ट में आपने बेसन का इस्तेमाल करना है। बेसन जो कि एक जादुई रिज़ल्ट देने वाला इंग्रेडिएंट है, ये बेसन आपकी स्किन को गोरा बनाएगा, आपकी स्किन पे झुर्रियों को ख़त्म करेगा, छाइयों को दूर करेगा, आपकी स्किन पे डार्क सर्कल आ गए तो उन्हें रिमूव करेगा। बहुत ही लाजवाब रेमेडी है, बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। एक बार इसे इस्तेमाल करके देखें और फिर देखें कि रिजल्ट्स कितने अमेजिंग आते हैं। इसके बाद आप लास्ट में आधा लीमू जो है आपने इसमें ऐड कर लेना है, और फिर आपने लास्ट में इसे रोज़ वाटर के साथ मास्क बना लेना है। रोज़ वाटर अगर आपके पास किसी कंपनी का है, अच्छा सा प्रोडक्ट है, तो आपने वो इस्तेमाल करना है। मैं इस्तेमाल करती हूँ जो कि मैंने खुला जो मिल जाता है पंसारी से, मैंने वो लिया हुआ है, और वो बोतल बड़ी थी तो इसलिए फिर मैंने ग्लास में ऐड कर लिया थोड़ा सा। तो आपने इस तरीके से इसमें रोज़ वाटर ऐड करना है, और तकरीबन 3 से 4 चम्मच बहुत होंगे, आपने यही इस्तेमाल करना है। और ये पेस्ट आपने हफ्ते में 3 से 4 बार लाजमी लगाना है, ख़ास तौर अगर आपके चेहरे पे एक्नी है, चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाने आ गए हैं, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, बहुत से प्रोडक्ट भी यूज़ किए हैं लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो एक बार ये रेमेडी लगाएं। इससे ना सिर्फ आपके चेहरे के दाने ख़त्म होंगे बल्कि जो दाग धब्बे होते हैं वो भी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएंगे, आपका रंग भी फेयर होगा, गोरा होगा। बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट देने वाली रेमेडी है। आपने यहाँ पर अच्छे तरीके से इस तरह हम मिक्स कर लेंगे, इसके बाद मैं अपने हाथों पर भी अप्लाई करके दिखाऊँगी और रिज़ल्ट्स भी दिखाऊँगी कि रिज़ल्ट कितने शानदार आते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने फेस को अच्छी तरह से धो लेना है, क्लीन कर लेना है, उसके बाद ही अपने चेहरे पे, अपने फेस पे लगा लेना है इस रेमेडी को। जैसे आप फेस मास्क लगाते हैं वैसे ही आपने इसे लगा देना है, और जब ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए ना, फिर आपने नॉर्मल पानी की मदद से इसे वॉश करना है, धोना है, साबुन वगैरह इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ ये रेमेडी आपने लगानी है तकरीबन हफ्ते में 3 से 4 मरतबा, और फिर देखना कि कैसा जादुई रिजल्ट्स आपकी स्किन पे आता है। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से मैं लगा लूँगी अपने हाथों पे, और फिर जब ये ड्राई हो जाएगा तो रिजल्ट्स भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही अमेजिंग है, आप एक बार इस्तेमाल करके देखें। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने दोनों हाथों पे लगा लिया है, और मैं इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। जब ये ड्राई हो जाता है तो फिर आप लोग को दिखाती हूँ। अभी आप लोग देख सकते हैं ये तकरीबन आधा ड्राई हो चुका है, और मैं इसे वॉश कर लूँगी, लेकिन आपने इसे मुकम्मल तौर पे ही ड्राई करना है और उसके बाद ही अपने फेस को वॉश कर लेना है, ठीक है। मैं सादे पानी की मदद से अपने हाथों को वॉश करके रिज़ल्ट दिखाती हूँ आप लोग को। माशाल्लाह से देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी ग्लो कर रही है, कितनी शाइन कर रही है, और 100% वाइटनिंग का रिज़ल्ट भी है। बहुत ही अमेजिंग रेमेडी है, एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें और देखेंगे कितने ज़बरदस्त आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफिज़।